असल जनाब क्या हाल चाल हैं उम्मीद है ख़ैरियत तो ओफ़िए से होंगे आपका दोस्त फजल वदूद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहता है आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में और आ, कोशिश यही हर दफ़ा कि कोई ना कोई नई बात नया टॉपिक आपको अपडेट किया जाए आ, उन मामलों में चूँकि मेरा ताल्लुक आम है फिनैनशियल प्लानर तो मेरा ताल्लुक आपको पता है फिनैंस और इन्वेस्टमेंट्स और ओवरऑल फिनैनशियल प्लानिंग से है तो ज़ाहिर साहब जो थोड़ा बहुत आता है उसी की बात करूँगा और यकीनी तौर तो पर फिनैंस जो हैं वो किसी भी फैमिली किसी भी बिज़नेस गोया के ज़िंदगी का एक बड़ा ही जिस पर ज़िंदगी बेस करती है आपकी भी आपके आने वालों की भी तो खासा अहम रहता है ये बात और जब फिनेंसिस ठीक हैं तो हेल्थ भी ठीक है और सारे मामल बेहतर होते हैं इसलिए मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि जो है वो अपनी कम्यूनिटी को और ये थ्रू दिस मीडियम जो है वो आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूँ अवेयरनेस अवेयरनेस क्रिएट की जाए और डे टू डे मैटर्स जिसको ज़िंदगी की मसरूफियत की वजह से अक्सर करना तो चाहते हैं हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं उसका रिमाइंडर आपको मिलता रहे आपका ये प्रोग्राम वेल्थ टॉक प्रो प्रोफिनैशल सर्विसेज की ताउन से पेश किया जाता है मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई फज़ल वदूद मेरा नंबर टू रीच मी आफ्टर द प्रोग्राम और एनी टाइम व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन इज़ नाइन ज़ीरो फाइव सिक्स ज़ीरो सेवन फाइव थाउजेंड एक बार फिर जो दोस्त देख रहे हैं या इसे रेडियो पे सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा सलाम और उम्मीद कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे आज का टॉपिक और टॉपिक के बाद छोटी सी हार्ट टू तो हार्ट कॉन्वर्सेशन। अगेन सोच वही है कि इस 20-25 मिनट को आपके लिए यूज़फुल बनाया जाए और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है या जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये 15-20 मिनट कोई एक अच्छा टेक अवे आपके लिए हो जिसमें कोई अहम बात हो आ, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आ, मेरा बैकग्राउंड जो है वो सारा टाइम ही 28 इयर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स और इस हवाले से गुज़रे हैं और आ, पहले मैं अंडर में था 25 इयर्स तो मेरे पास जो डेटा इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्रेडिबल सोर्स से मैं लेके आया करता हूँ और अगर किसी को कभी भी किसी नंबर्स पे ख़याल हो तो दे कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी टू फाइंड आउट वट वॉर्ज वट वॉज द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन विच आई शेयर विद माई ऑडियंस आप लोगों के साथ आज जिस टॉपिक पे मैं ओवरऑल बात करना चाहूँगा वो बेसिकली बेस्ड ऑन अ रियल जिस जिसपे मैं काम कर रहा हूँ मुझे एक दोस्त एक क्लाइंट आप जैसे अच्छे मिले और उनके साथ पिछले दो तीन माह से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो मैंने सोचा मैं वो सिनेरियो बड़ा मुझे एक कॉमन उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी तो मैं चाह रहा था कि मैं आप के साथ शेयर करूं और होपफुली यू विल फाइंड इट थॉट प्रोवोकिंग और यूज़फुल तो मैं शुरू करता हूं असल में स्नैरियो कुछ ये है कि ये साहब इनकी एज है 55 इस वक्त 55 फाइव ईयर्स के हैं स्मोकिंग नहीं करते और uh, बड़े मेहनती इंसान इनका जो है वो बेसिकली ही हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है इंडिया से ताल्लुक़ है इनका और आ, ये साहब कनाडा में कुल मिला के थर्टी ईयर्स के करीब इनको कनाडा में हो चुके हैं और आ, इनका बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाईज़ का ये बड़ा सा मैं इनके उसके उनके वेयर हाउस में गया बहुत बड़ा वेयर हाउस है उसमें जनाब आप क्रिकेट खेल सकते हैं इतना बड़ा है और हर किस्म की मटेरियल की चीज़ें जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से है वो इनका है एक से ज़्यादा इनका वेयर हाउसेज़ हैं मुझे बताते हैं कि तकरीबन जो कुछ मैंने देखा इनके स्टोर पे जा के स्टोर बोल रहा हूँ कहने में छोटा लग रहा है लेकिन इनका वेयर हाउस कहना चाहिए या फैक्ट्री कहनी चाहिए तो मैं गया और 25 साल से इन्हें लगे यहाँ तक पहुँचने में बिज़नेस को यहाँ तक खड़ा करने में और आ, मुझे बताते हैं कि इन्होंने तकरीबन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर से ये बिज़नेस शुरू किया और इस वक्त माशाल्लाह उनके बिज़नेस की फेयर मार्केट वैल्यू तमाम इंस्टीट्यूशंस और इवन सीआरए टैक्स डिपार्टमेंट जब आ, आपके बिज़नेस की वैल्यूएशन करता है तो वो फेयर मार्केट वैल्यू पे होती है तो एक आ, Uh, मुहतात अंदाज़े के मुताबिक केयर यू नो केयरफुल एस्टिमेट वॉज दैट इट इज़ ओवर टेन मिलियन डॉलर एक लाख से इन्होंने अपना काम शुरू किया इस वक्त माशाल्लाह से दस एक मिलियन का उनकी बिजनेस की टोटल वर्थ है uh, लंबा अरसा पूरी ज़िंदगी इस बिज़नेस को दी बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि बिजनेस को खड़ा करना भी इसी तरह है जैसे ये आपका एक बच्चा है और पैदा हो के बड़े होते तक बहुत सारे मराहिल हैं उसमें से गुज़रना है और सारी कभी बच्चों की तरह बच्चों की सेहत अच्छी कभी बुरी कभी ये सोच कभी वो सोच तो करते करते ये बिज़नेस यहाँ तक इन्होंने पहुँचाया अब ये तो सारी अच्छा पार्ट था मेरे से जो उनका रबता हुआ उनकी बड़ी मेहरबानी वो भी इसी तरह प्रोग्राम वग़ैरह देखते थे ए, कुछ अर्से से मुझे रेडियो पे सुन रहे थे लेकिन ज़ाहिर है कि मसरूफियात हैं ज़िंदगी की और उस मसरूफियत में इनके पास जो है वो टाइम की कमी वाला मामला है और उस कमी में ये एक दफ़ा किसी फ़िनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र के साथ इनकी मुलाकात भी हुई जो भी उन्होंने प्लान उस वक्त ऑफ़र किया होगा वो चाह रहे थे कि वो चीज़ें वो इन्वेस्टमेंट्स गुड इन्वेस्टमेंट में से कहता हूँ वो करें यकीनन जो भी एडवाइज़र साहब थे उस वक्त उन्होंने कुछ अच्छा ही बताया होगा और लेकिन ये वो आ, कोई भी चीज़ शुरू नहीं कर सके जब मैंने ये पूछा कि आप शुरू क्यों नहीं कर सके तो उसका उन्होंने बेसिक जो जवाब दिया वो ये था कि बिज़नेस को खड़ा करने के लिए उसको ग्रो करने के लिए बिज़नेस ऑनर को ये डिसीजन करना पड़ता है और बहुत दफ़े सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि हर डॉलर वो जो कमा रहा है उसको अपने लाइफ स्टाइल और इन चीज़ों की तरफ लगा दे या वो कमाया हुआ डॉलर दोबारा बिज़नेस में ही डाले ये बड़ा आसान है सोचना कि पंद्रह बीस साल में शायद बिज़नेस उस लेवल पे यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा मगर इसमें बहुत सारे सक्रीफाइज़ हैं बहुत सारे लंबे लंबे दिन हैं जो कि एक बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस के लिए करता है यहाँ मैं ये मेंशन करता चलूँ कि बिज़नेस छोटा हो या बड़ा प्रोसेस सबका एक ही है सक्सेस किसको कितनी मिलेगी इसमें एफर्ट भी है इसमें प्लानिंग भी है फिर सबसे बढ़ के ऊपर वाले का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स का भी अमल दखल है लेकिन बात ये कि ये बताते हैं कि आज मैं जितना कम्फर्टेबल हूँ इतना कम्फर्टेबल मैं आज से पाँच साल पहले भी नहीं था तो मुख्तसर ये कि आठ नौ साल पहले जब इनको किसी एडवाइज़र साहब ने फॉलोअप किया तो ये अपने लिए उनकी बताई हुई चीज़ें जो प्लानिंग थी वो कर ना पाए इनको वो डिसीज़न लेना था और ओबियसली फैमिली एक्सपेंसेस लाइफस्टाइल प्रायोरिटीज़ बहुत सी और फिर इंसान कहता है कहीं पे कि हर चीज़ अच्छा रह गई और चलें अगले साल से ही तो वक्त गुज़रता गया गयानेटली दो साल पहले वन ही वॉज़ फिफ्टी थ्री उस वक्त इनको हार्ट अटैक होता है और तकरीबन दो साल गुज़र चुके हैं ये बताते हैं कि इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इनकी हेल्थ पे ऊपर वाले ने बड़ा करम किया ही सर्वाइव्ड ही इज़ बैक ऑन हिज फीट ही इज़ वर्किंग मगर बताते हैं कि अब वर्किंग कैपेसिटी में बहुत कमी आ गई है फिज़िकल एक्सकर्शन फ़िज़िकल एक्टिविटी अब ये वैसी नहीं कर पाते और आ, शायद कुछ मेमोरी और इस किस्म की चीज़ों पे भी इनका जो है वो कुछ इम्पेक्ट उस पर भी आ रहा है तो बहरहाल अब ये मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई हमने इनकी असेसमेंट की तो असेसमेंट में जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनाब इनका जो है बिज़नेस जैसे मैंने बताया हंड्रेड थाउजेंड से ग्रो करता करता टेन मिलियन पे इनकी आज फेयर मार्केट वैल्यू है अगर इसकी टैक्स लाइबिलिटी हम देखते हैं तो तकरीबन फाइव मिलियन डॉलर्स के करीब की इनकी टोटल जो है वो सारी चीज़ें मिला के उनका जो है वो टैक्सेबल अमाउंट्स बनती हैं और करते कराते इनको कम अज़ कम तीन से चार मिलियन डॉलर्स चाहिए टू पे ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ उसमें इनके टैक्सेस भी हैं उसमें इनकी रिमेनिंग मॉडगेज भी है ये सारी चीज़ें अभी वो बात कर रहे थे और अब जाहिर है जब वक्त गुजर जाता है तो थोड़ा सा रिग्रेट होता है तो हम लोग बैठे वो वी वर क्रंचिंग द नंबर्स तो बात समझ में आई कि अगर ये अब दो ऑप्शन हैं इसको मैं कहता हूँ यू पे अ पेनफुल वे और अ ईज़ी वे और इनकी स्नैरियो में इस वक्त जो है वो पेनफुल वे सामने है ईज़ी वे इनको बताया गया था ये अपने हालात अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से थोड़ा सा चूक गए और उसको वो कर ना पाए अब आगे क्या किया ये मैं एक छोटी सी यहाँ पे लेता हूँ ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ और कैसे फिर हम इनके साथ अब ट्रीट कर रहे हैं लेट मी हैव अ स्मॉल ब्रेक डोंट गो अवे आल बी राइट बैक। एक दफ़ा फिर मेरा फ़ोन नंबर नाइन ज़ीरो फाइव सिक्स ज़ीरो सेवन फाइव थाउजेंड मैं हूँ आपका दोस्त फज़ल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो आप वॉच कर रहे हैं या सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम वेल्थ Talk. I'll be right back. Thank you. ओके okay, uh, दोस्तों वेलकम बैक आपका दोस्त फजल एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहता है आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में और जो दोस्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं प्रोग्राम के बाद या किसी भी वक्त अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट फिनेंशियल प्लानिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन हो Feel free to give me a call at 9056075000. तो ब्रेक पे जाने से पहले जो लोग शायद अभी इस प्रोग्राम को ट्यून इन किया है तो क्विकली बताता चलूँ कि हम एक स्नैरियो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रियल स्नैरियो है मेरे एक क्लाइंट बने हैं पिछले तीन एक माह से उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 55 उनकी एज है 25 साल में बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने अपना बिज़नेस 100,000 से उसको 10 मिलियन तक लेके गए वो बिल्डिंग मटेरियल्स उनका आ, कोर बिज़नेस है बिज़नेस मटेरियल सप्लाई करते हैं बहुत बड़ा माशाला से उनका वेयर हाउस है इस वक्त बताते हैं 100,000 से शुरू किया था अब तकरीबन टेन मिलियन है पच्चीस साल उन्होंने इसमें दिए और आ, चाह रहे थे लेकिन चार पाँच साल पहले एक एडवाइज़र के साथ अपना काम शुरू भी किया लेकिन उसको कंप्लीट ना कर पाए यानी जो जो कुछ उन साहब ने इन्हें बताया होगा इंश्योरेंसेस और प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से वो नहीं कर सके और प्रायोरिटीज़ बड़ी कॉमन हैं वो मुझे बता रहे थे कि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए एक तो स्वेट एक्विटी है कि आप अपना खून पसीना लगाते हैं आप भूल जाते हैं कि आपकी जॉब नौ से पाँच बजे की है आप राउंड द क्लॉक काम कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो प्रॉफिट आता है आप अपने आप से पूछ रहे होते हैं कि क्या मैंने अपने लाइफ स्टाइल में ये पैसा लगाना है कि दोबारा बिज़नेस में री इन्वेस्ट करना है और ये बताते हैं कि हमने बड़ा टफ़ डिसिप्लिन रखा और इसी वजह से जो आता गया हम दोबारा से इन्वेस्ट करते रहे और आज इतना बड़ा बिज़नेस इन्होंने अपने लिए अपनी फैमिली के लिए खड़ा किया है मगर चैलेंज जो है वो ये मैं बता रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि तकरीबन दो ढाई साल पहले इनका बाईपास हुआ है जिससे एक तो साल डेढ़ साल इनको रिकवर करने में लगा उसके बाद अब ये क्लियरली फील करते हैं ही इज़ ओनली 55 के अब वर्किंग कैपेसिटी वो नहीं है इवन मेमोरी पे इम्पैक्ट है फिज़िकली ये अब उतना काम नहीं कर पाते जितना ये पहले करते थे मैं वेयर हाउस में गया हूँ तो ऐसे लग रहा था कि उसका दूसरा एंड ख़त्म ही नहीं हो रहा इतना बड़ा वेयर हाउस है जिसमें वो घूम फिर रहे थे तो इट्स अ तो तो वेरी फिज़िकल मेंटल किसी भी बिज़नेस में बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो आ, ये मामलत आते हैं लेकिन अभी जब उनके साथ बैठ के दोबारा से हमने ओवरऑल सिचुएशन देखी तो चंद फैक्ट्स जो के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बायस हैं और हमें बीइंग कनेडियन ये बात की बिल्कुल समझ होनी चाहिए वो ये है कि बड़ा ही ज़्यादा जो यहाँ का टैक्सेशन का सिस्टम है उसमें बिजनेसिस को ये अंदाज़ा ही नहीं है क्योंकि बिज़नेस मैन और आंटरपेन्योर दिन रात मेहनत में लगा हुआ है उसका जो फील्ड है उसमें वो मेहनत किए चले जा रहा है और उसको अक्सर उन चीज़ों की खबर ही नहीं है फिर ये है कि अक्सर ये मिसकंसेप्शन है कि अकाउंटेंट साहब मेरा टैक्स फाइल कर रहे हैं वगैरह वगैरह एंड एवरी थिंग इज़ प्रॉपरली बीग हैंडल्ड अकाउंटेंट साहब को पता भी है वो कर भी रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अकाउंटेंट साहब आपकी उसमें रहनुमाई कर सकते हैं लेकिन फिज़िकली वो ख़ुद पर्सनली नहीं करते उनको किसी ना किसी फाइनेंशियल प्लानर की तरफ रेफ़र करना पड़ता है अब वो अगर तो रेफर हो गया टाइमली तो काम बन गया अब जैसे ये साहब हैं इनसे मिले एक कोई मुझे नहीं प, अब मैं नाम मुझे तो पता है लेकिन मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगा जिन्होंने भी उनके साथ मिले और उनको प्लान सजेस्ट किया आई विश इन्होंने करवा लिया होता आज की डेट में सारी लाइबिलिटीज़ बिजनेस हंड्रेड थाउजेंड से टेन मिलियन में गया आप सोचें आप जो कर रहे हैं आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँचा आधा सरकार माफ़ कर देती है आधे के ऊपर टैक्स है टैक्स का रेट उनको मैं बता रहा था तो 53% परसेंट से ज़्यादा है समझ लें आधे से ज़्यादा तो इन साहब की इस वक्त जो लाइबिलिटी है बिज़नेस की और फिर इनके पास थोड़ी मॉडगेज भी है बिकॉज़ सारा पैसा तो बिज़नेस में लगाते रहें तो वो सारा करके इनके ऊपर तकरीबन चार एक मिलियन की तो ज़रूर लाइबिलिटी खड़ी है अच्छा अगर इन्होंने इस बाईपास से पहले ये प्लानिंग करवा ली होती तो आप यकीन करें दो ढाई सौ डॉलर माहवार पे इनका मंथली टू हंड्रेड टू फिफ्टी अ मंथ पे इनका मामला हल हो गया होता है जिसको मैं कहता हूँ कि आपको ये लाइबिलिटीज़ इस कंट्री में रहते हुए पे करनी पड़ेंगी यू कैन नॉट इस्केप फ्राम दिस लेकिन देर इज़ अ ईजी वे और अ हार्ड वे प्रॉपर बिफोर टाइम अगर करवा लेते हैं तो दैट्स ए ईज़ी वे इनके केस में ईजी वे ये हो सकता था कि जिस वक्त इनको कोई एडवाइज़र मिले थे उस वक्त ये दो तीन सौ डॉलर मंथ की ये इन्वेस्टमेंट करते रहते अगर आप मैथ भी करें तो आप हैरान होंगे कि मान लीजिए एक पचास साल का बंदा तीन हज़ार डॉलर एनुअल स्पेंड कर देता है इस चीज़ में तो 50 साल भी उसकी एज होती है तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं बनती वर्सेस उसकी टोटल लाइबिलिटी के और 100 साल तक किसकी एज है दैट मींस इट इज़ लॉट लेस एक्सपेंसिव इसको मैं कहता होता हूँ और अगर हम बैठ के मैथ करें तो इस वक्त अगर इनको फोर मिलियन डॉलर चाहिए तो यही काम चंद सेंट्स में हो जाना था लाख दो लाख डॉलर ओवर अ पीरियड ऑफ 20 20-25 तीस साल में ये काम हो जाना था एनी अभी बिकॉज हेल्थ हिस्ट्री हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड और यहाँ एक बात मैं और मेंशन करता जाऊँ कि अक्सर लोग समझते हैं कि ये प्लानिंग और इंश्योरेंसेज एंड स्टफ़ लाइक दैट कैन बी परचेज विद मनी दिस इज़ नॉट करेक्ट यू बाई इट विद द हेल्थ ये साहब ही कैन अफोर्ड मगर इस वक्त इनको इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ फाइव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स तक की कवरेज दे रही है जबकि इनकी लाइबिलिटी फोर मिलियन के लगभग है आई एम वर्किंग विद हिम आई है स्टार्टड वर्किंग ऑन ऑन हिज केस इनशाला गेट इम और कवरेज बट ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ मगर इनकी टोटल लाइबिलिटी जो चार मिलियन के करीब है उसके हिसाब से अभी भी इनकी इन कॉस्ट बहुत कम होगी आप लोगों को ये केस स्टडी या ये स्नैरियो डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि आप किसी भी बिज़नेस में हैं इवन आप बिज़नेस में नहीं हैं आपके आप एक जॉब पे जाने वाले बंदे हैं और आपके ऊपर एक मॉडेज है तो बिज़नेस ओनर के लिए जो है लोन और टैक्स लाइबिलिटी है आपके लिए अगर आप बिज़नेस ओनर नहीं हैं तो आपकी बड़ी लाइबिलिटी आपकी मॉडेज है इन दोनों सूरतों में आप अगर बर वक्त वैन योर हेल्थ इज़ गुड अगर ये आप अपने एडवाइज़र से होपफुली आप मुझे कॉल करेंगे एट 9056075000 तो आप एक बहुत ही मामूली से एक्सपेंस पे ये एक बड़ी सेविंग अपने लिए कर लेंगे एंड इट बिकम्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इसमें भी फिर हम फर्दर जब इनके साथ बैठे तो अब इनकी क्रिटिकल इलनेस की है और आ, क्रिटिकल इलनेस की एक बड़ी ज़बरदस्त ख़ूबी ये है कि आप अगर अच्छी हेल्थ के साथ या छोटे मोटे मामले के साथ आ, ले लेते हैं तो ऐसे प्लान अवेलेबल हैं कि आपने जो पैसा लगाया आपको सारे का सारा वापस आ जाएगा बल्कि मेरे पास ऐसे प्लान अवेलेबल हैं कि जो मैं लाइफ के केस में भी आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे शर्त यह है आपने बैठ के इसको डिस्कस करना है और उस पर एक्शन लेना है ना लेने की सूरत में जो चीज़ आपने इतनी मेहनत से 25 साल में बेशुमार बेशुमारक्रीफाइजिस के साथ खड़ी की है हो सकता है कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी आपके जाने के बाद आपके बच्चों को फोर्स करे या बीवी को फोर्स करे कि उसको फास्ट सेल करके जान छुड़ा के लाइबिलिटी पे करके रिमेनिंग जो कुछ बचा है उसको सेव कर सकें इस मिज़रीबल सिचुएशन से बचने के लिए आपको बर वक्त एक्शन लेना है आपको कॉल करना है अपने एडवाइज़र को और मुझे आई होप यू चूज़ टू वर्क विद मी एंड माय नंबर टू रीच इज नाइन ज़ीरो फ़ाइव सिक्स ज़ीरो सेवन फ़ाइव थाउजेंड तो अभी इनके ऊपर काम जारी है मेरा टास्क इनके साथ ये है कि इनकी चार पाँच मिलियन की जो लाइबिलिटी है उसको मैं किस तरह सेव करूँ जो प्लान पे ये और मैं काम करने का सोच रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट इनको अगले बीस साल में ऊपर वाले ने चाहा तो शायद लाख डेढ़ लाख डॉलर के अंदर हो वर्सेस सेवरल मिलियन डॉलर तीन चार मिलियन कहाँ हैं और लाख डेढ़ लाख डॉलर दो लाख डॉलर की कॉस्ट क्या है और वो भी लमसम नहीं मंथली बेसिस पे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए ज़रूरी हैं आई थॉट मुझे ये स्नैरियो आपके सामने रखना चाहिए बिकॉज़ हमारे इस कैनेडा में कैनेडा की तरक्की का राज आप और मैं स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं छोटे छोटे काम कर रहे हैं सुबह उठते हैं दिन और रात मेहनत करते हैं और लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि जो कुछ हमने खड़ा किया है उसको हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पैस ऑन कर सकें इन अ टैक्स एफिशिएंट वे इसके लिए आपने डिस्कस करना है मेरे साथ मैं हूँ आपका दोस्त फजल वदूद मेरा नंबर है नाइनो फाइव सिक्स ज़ीरो सेवन फाइव थाउजेंड तो ये था बेसिकली आज का टॉपिक uh, जो मैंने आपके सामने पेश किया आई होप यू लाइक इट। एट द एंड अभी ये सारी बात हो रही थी हेल्थ की भी और ओवरऑल तो एट द एंड मैं क्विकली एक जो मेरा बिलीफ है अ हार्ट टू हार्ट पार्ट पे अब मैं आ गया हूँ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो किसी की सेइंग है कि आई एम नॉट वट हैपन टू मी आई एम वट आई चोज टू बी तो सरकमस्टेंसेस कुछ भी हैं हमारे डिसीजंस हैं जो हम चूज़ करते हैं उसके रिज़ल्ट में हम वो बन जाते हैं अभी जिन साहब की मैंने बात की ही चोज़ टू बिकम सेल्फ़ एम्प्लॉयड ही चोज़ टू डू बिज़नेस माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा बिज़नेस मेहनत से खड़ा किया है एक हेल्थ स्नैरियो आ गया है अभी ये चूज़ करेंगे अच्छे डिसीजंस बनाएंगे इसमें से भी निकल जाएंगे गॉड ब्लेस यू ऑल अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए और कोई भी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट फिनेंशल प्लानिंग के हवाले से क्वेश्चन हो तो गिव मी अ कॉल माई नंबर इज़ नाइन ज़ीरो फ़ाइव सिक्स ज़ीरो सेवन फाइव थाउजेंड नाइन ज़ीरो फ़ाइव सिक्स ज़ीरो सेवन फ़ाइव थाउजेंड स्टे ब्लेस्ड दुआओ में याद रखिए टिल नेक्स्ट प्रोग्राम अल्लाह हाफिज़